नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्च महीने के आसपास इंडिया पे G73 ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं मोटोरोला वालों ने ऑफिशियली कह दिया है कि इस महीने 10 तारीख को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है मोटोरोला G73 5G स्मार्टफोन। इसी इस वीडियो हम देखेंगे जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, तो क्या इस बार का मोटो G73 प्राइस पॉइंट के सभी स्मार्टफोन से बेटर होगा या फिर बेकार होगा, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो मोटोरोला के जैसे सभी स्मार्टफोन का एक टिपिकल डिजाइन होता है, मतलब पीछे से ही देखने से हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली मोटोरोला का ही स्मार्टफोन है, तो एग्जैक्टली सेम डिजाइन इसके भी पीछे आपको मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, नॉर्मल ब्लू और एक व्हाइट कलर। इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और वेट है 181 ग्राम और इसके पीछे का जो मटेरियल वो आपको मिलेगा थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप का प्लास्टिक मटेरियल। डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, उसके साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 550 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अभी मोटोरोला के स्मार्टफोन में जनरली हमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन इसके साथ हमें कोई गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन या फिर दूसरे किसी ब्रांड की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन इस फोन का मेन सेलिंग पॉइंट होने वाला इसका प्रोसेसर। जैसे इससे पहले मोटोरोला के जो भी स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ है हर एक बार कोई नया प्रोसेसर के साथ जैसे लॉन्च हुआ है, तो इस बार हमें मिलेगा डायमेंसिटी 930 वाला प्रोसेसर जो कि आज से कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था और इंडिया का पहला फोन होने वाला है, या फिर मैं भी कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का पहला फोन मोटोरोला G73 है इस नए वाले प्रोसेसर के साथ। और ये जो नया वाला प्रोसेसर 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और इसका एंटूटू स्कोर है 410,000 के आसपास। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके रियर कैमरे के साथ आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन काजल के पास एक ही वेरिएंट पे आएगा जो कि 8GB रैम 256GB मेमोरी। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी होगा UMCP क्वालिटी का स्टोरेज और उसके साथ आपको मिलेगा हाइब्रिड कार स्टार्ट का ऑप्शन। बैटरी में 5000mAh बैटरी, 30 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी मिलेगा USB टाइप सी। तो इसके बाद हमें से कुछ बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं। आपके से मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर जिसके साथ डॉल्बी एटमॉस डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि मोटोरोला की तरफ से आने वाला स्मार्टफोन है तो इसीलिए इसमें आपको हर एक 5G बैंड भी मिलेगा, मतलब टोटल 12 5G बैंड डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज किस प्राइस में लॉन्च होने वाला, तो देखिए ये जो स्पेसिफिकेशन देख के मुझे यही चीज लग रहा है कि इंडिया पे लॉन्च होगा वही 17,000 रुपए के आसपास, क्योंकि मोटोरोला G71 17,000, G72 17,000, तो डेफिनेटली G73 वाला ये जो नया वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली 17,000 पे लॉन्च होना चाहिए। तो अभी हर वीडियो के तो एनालिसिस करेंगे कि जो मोटोरोला G73 आपको लेना चाहिए या फिर डेफिनेटली इससे कोई बेटर फोन अवेलेबल है। तो देखिए अगर इस स्मार्टफोन का प्राइस है 17,000, अगर हम इसे पकड़ के चलते तो उस प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले के मामले में ये जो G73 बहुत ही एवरेज क्वालिटी का डिस्प्ले, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। प्राइस पॉइंट में लगभग सभी कंपनी आपको आइदर सुपर एमोलेड या फिर इससे बिगर क्वालिटी का डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, तो मतलब उस मामले में इसका जो डिस्प्ले बहुत ही एवरेज है। प्रोसेसर आपको से लग रहा होगा कि डायमेंसिटी 930 मतलब डायमेंसिटी 920 का अपग्रेड वर्शन जो कि थियोरेटिकली होना चाहिए था, लेकिन अगर हम एंटूटू स्कोर को देखते हैं तो इससे साफ साफ मालूम चलता है कि ये जो नया वाला प्रोसेसर डायमेंसिटी 920 के मुकाबले एंटूटू के मुकाबले बहुत ज्यादा नीचे। तो हो सकता है ये जो प्रोसेसर नया नया लॉन्च हुआ है ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, तो ऐसा भी एक कारण हो सकता है। लेकिन जो भी हो अगर आप नया वाला फोन लेंगे तो इसका एंटूटू स्कोर होगा 4,00,000 के आसपास जो कि प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही कम है। लेकिन इसका एक और चीज मुझे बढ़िया लगा, इसमें आपको मिलेगा 8GB रैम 256GB मेमोरी वो भी 17,000 के आसपास। ये स्मार्टफोन के बहुत ही बढ़िया सेलिंग पॉइंट हो सकता है। बैटरी चार्जिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर, सब कुछ बाकी ब्रांड के जैसा ही। तो देखिए वीडियो का अगर मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ डायमेंसिटी 930 लेने के चक्कर में अगर ये फोन लेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए उतना बढ़िया फोन नहीं होगा। अगर इसमें सुपर एमोलेड होता तो मैं मान लेता कि ठीक है प्रोसेसर थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन जैसे इसमें अपडेट आता जाएगा तो प्रोसेसर और भी ऑप्टिमाइज होता जाएगा। लेकिन मेन जो चीज है डिस्प्ले इसका बहुत ही कमजोर है, इसलिए मेरे ख्याल से 17,000 पे ये जो स्मार्टफोन आप लोग के लिए उतना ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा। आप मुझे कमेंट जरूर बताने की जो मोटोरोला G73 10 तारीख की इस प्राइस पॉइंट में जो लॉन्च होने वाला है, आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर किसी दूसरे फोन को आप चूज करना चाहेंगे।
इसके बारे में मुझे जो कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।